आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। हनुमान जयंती पर रामनगर में निकली बालाजी महाराज की शोभा यात्रा, भक्तिमय हुआ शहर का माहौल। उत्तराखंड का रामनगर इन दिनों हनुमानमय बना हुआ है। हनुमान जयंती के उपलक्ष में यहां भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान राम की जीवन गाथा का वर्णन किया गया। आज सोमवार को संकट मोचन हवन होगा, मंगलवार को विशाल भंडारा लगेगा। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, माइनस में है चारों धामों का न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड में आज मौसम जोरदार करवट लेने वाला है। राज्य के 11 जिलों में आज बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जो 5 दिनों का अनुमान जारी किया है, उसके अनुसार 22 और 23 अप्रैल को राज्य के 11 जिलों में बारिश होगी। सिर्फ 2 जिले शुष्क रहेंगे, यानी वहाँ बारिश नहीं होगी। किशोर ने पुलिसकर्मी को किया घायल, पिता को हिरासत में फोन देने से किया था मना मुकदमा। पुलिस हिरासत में पिता को फोन देने से रोकने पर नाबालिग किशोर गुस्से से आग बबूला हो गया और मौका देखकर पुलिसकर्मी पर हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी की शिकायत पर किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वन विभाग में बजट खर्च नहीं कर पा रहे अधिकारी व शासन ने दिखाई सख्ताई, पत्र लिखकर मांगी डिटेल। उत्तराखंड में वन विभाग बजट खर्च में पसड्डी साबित हो रहा है। वन विभाग साल 2023-24 के बजट से 200 करोड़ शासन को लौटा दिया है। अब शासन ने बजट खर्च न करने को लेकर एक पत्र लिखा है, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण भी मांगा है। साइबर ठगों के झांसे में आकर लुटाए हजारों रुपए, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में एक व्यक्ति को ठगों ने झांसे में लेकर हजारों रुपए की ठगी कर ली है। व्यक्ति को जैसे ही ठगी का एहसास हुआ, वो सीधे थाने पहुंची और पुलिस को आप बीती बताया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंपावत में सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 युवक घायल। चंपावत में सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड में एप्पल मिशन से जुड़ेंगे काश्तकार, जम्मू कश्मीर व हिमाचल की तर्ज पर बगीचे होंगे विकसित। उत्तराखंड में सरकार काश्तकारों को पारंपरिक खेती के साथ ही सेब उत्पादों से भी जोड़ने की कवायद में लगी है, जिससे काश्तकारों आत्मनिर्भर हो सके। वहीं एप्पल मिशन के तहत काश्तकारों को सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून में खड़ी कार बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू। देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात कारणों से एक कार में आग लग गई। आग लगने से कार जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। रुड़की में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। रुड़की में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग अचानक लग गई, जिससे 13 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बागेश्वर में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं, 7.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला, 19,920 का नुकसान। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वनाग्नि से अब तक 7.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला है, 19,920 रुपए का नुकसान हुआ है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही गुलजार हुआ लच्छीवाला नेचर पार्क, उमड़ी पर्यटकों की भीड़। गर्मी का सीजन शुरू होते ही पर्यटक लच्छीवाला नेचर पार्क पहुंचने लगे हैं। लच्छीवाला नेचर पार्क पहुंचकर पर्यटक गर्मी मिटा रहे हैं, साथ ही वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। साइकिल से गंगोत्री पहुंचे महादेव बाबा अमरेंद्र, कहा सनातन धर्म का प्रचार करना उद्देश्य। उन्नाव जिले के निवासी महादेव बाबा अमरेंद्र साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं। अभी वह गंगोत्री धाम पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य लोगों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना है। पूर्व सैनिक ने छोटे भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी से की हत्या, पारिवारिक विवाद बताई जा रही वजह। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर कार और बस की भिड़ंत, 6 लोग घायल।